दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंटरनेट बटन के कुछ ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके एंड्रॉयड फोन में इंटरनेट बटन तो होगा ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेट बटन हर एक एंड्रॉयड फोन में होता है जिसका इस्तेमाल हम डाटा ऑफ या ऑन के लिए करते हैं। बट इसके अंदर ऐसी खुफिया अल्टीमेट सेटिंग छुपी हुई है जिसके बारे में हमें पता नहीं था। अगर आपको पता भी होगा तो कैसे इस्तेमाल करना, मतलब किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, वो हमें पता नहीं होता है, तो वही इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, एंड तक कंटिन्यू देखते रहना। तो पहला सेटिंग बताने से पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऑल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। तो यहाँ पे पहले सेटिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपने जो डाटा है जहाँ से ऑफ या ऑन करते हो यहाँ पे होल्ड करके रखना है। जैसे आप होल्ड करके रखोगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे आप देख सकते हो आ सकता है। तो यहाँ पे आप जो पहला सेटिंग है उसका इस्तेमाल किस काम के लिए कर सकते हो वो बता देता हूँ। जैसे कि आपके फोन में 1.5 GB डाटा मिलता है पर डे का, तो आप कहीं पे बाहर जा रहे हो या आपका फैमिली मेंबर में ही कोई आपका फोन आपसे मांग लेता है आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, तो उतने में ही क्या करेगा, वो आपका पूरा डाटा खत्म कर देगा। बाद में अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, कोई काम पड़ गया, तो आपके फोन में डाटा नहीं बचेगा क्योंकि जिसे आप फोन दोगे वो पूरा डाटा यूज कर डालेगा। तो यहाँ पे इस सेटिंग की मदद से आप बाद में भी डाटा यूज कर सकते हो, यानी कि डाटा सेव करके रखोगे और उसे बाद में यूज कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे, सिंपली यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा मोबाइल डाटा यूजेस, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन दिख रहा है, उस सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट डाटा लिमिट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसे क्या करना है ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन करोगे ना डाटा लिमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आपको 1.5 GB डाटा मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है 1 GB डाटा यहाँ पे, तो अगर 500 GB डाटा भी यूज करेगा तो आप 1 GB डाटा सेव करके रख सकते हो जिसे आप बाद में यूज कर सकते हो। तो पहले सेटिंग की मदद से आप ये इजीली कर सकते हो। तो अब आप लोगों को दूसरा वाला सेटिंग भी क्या करता हूँ बता देता हूँ। तो दोस्तों जो दूसरा सेटिंग है वो है वाईफाई को लेकर के, आप किसी का भी वाईफाई यूज करते हो, कहीं पे अगर आपको फ्री का वाईफाई मिल गया है तो आप उसका वाईफाई यूज करने लगते हो। आपको ये नहीं पता होता है कि वाईफाई के जरिए हमारा अकाउंट भी हैक हो सकता है, हमारा मोबाइल भी हैक हो सकता है। आप सोचो कि वो कैसे होएगा, यानी कि आप एक वायरलेस डाटा यूज कर रहे हो, आपको एक वाईफाई से आपको डाटा मिल रही है, तो उस डाटा के जरिए आपके फोन में वायरस भी आ सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक सेटिंग करके रखना है। इस सेटिंग को अगर आप कर दोगे ना तो अपने मोबाइल को हैक होने से आप इजीली बचा सकते हो। तो वो कैसे करोगे, सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी मैं इस वाईफाई को यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, होल्ड करके रखूंगा। जैसे आप होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे मैं ये वाईफाई यूज कर रहा हूँ, तो मुझे एक वायरलेस डाटा यूज करने को मिल रहा है, तो इसके जरिए मुझे क्या होता है, मेरे फोन में वायरस कोई भी इजीली भेज सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक सेटिंग ऑन कर रखा है जो कि यहाँ पे आपको पर्सनली हर एक एंड्रॉइड फोन देती है, तो आप इस सेटिंग की मदद से बचा सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, एडवांस वाले सेटिंग में जाना है। जैसे आप एडवांस वाले सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डेटेक्ट सफिशियस नेटवर्क, यहाँ पे आपको इस सेटिंग देखने को मिलेगा। इसे सिंपली क्या करना है, यहाँ से अगर ऑफ रहेगा तो ऑन करके रख देना है। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी का भी वाईफाई यूज कर रहे हो ना तो फिर आप सेफली यूज कर सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए हर एक एंड्रॉयड फोन ये सेटिंग देती है जिसे हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो ये थी हमारी दूसरी सेटिंग, अब यहाँ पे आपको तीसरी सेटिंग के बारे में भी बता देता हूँ। तो जो लास्ट सेटिंग है वो भी बहुत ज्यादा VIP अल्टीमेट सेटिंग है, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे कि आप अगर वाईफाई यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, मेरे यहाँ पे इंटरनेट डाटा भी ऑन है, वाईफाई भी कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, हम BGMI खेल रहे हैं या फ्री फायर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपका डाटा भी ऑन है और यहाँ पे वाईफाई भी ऑन है तो क्या होगा, अगर आपका वाईफाई का डाटा यहाँ पे स्लो पड़ा तो क्या होगा कि नेटवर्क भी आपका स्लो पड़ेगा और आपको कोई भी मार के चला जाएगा गेम के अंदर। और यहाँ तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपके वाईफाई का
डाटा स्लो हुआ तो आपका तुरंत इंटरनेट डाटा चलने लगे एकदम सही से, तो आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, वाईफाई यहाँ पे जो है वाईफाई पे क्या करना है, होल्ड करके रखना है थोड़े टाइम। तो यहाँ पे जैसे आप होल्ड करके रखोगे ना, तो यहाँ पे होल्ड करके रखने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे आना है। थ्री डॉट पे आने के बाद एडवांस वाले सेटिंग में चले जाना है। जैसे आप एडवांस वाले सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे स्विच टू मोबाइल डाटा का यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है ऑफ रहेगा, तो सिंपली इसे क्या करना है, ऑन करके रख देना है। जैसे आप इसे ऑन करके रखोगे ना, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखा हुआ भी आ रहा है कि अगर आपका कोई भी वाईफाई अगर आप चला रहे हो उसका इंटरनेट डाटा स्लो हुआ तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे आपको स्विच कर दिया जाएगा किसके अंदर, मोबाइल के डाटा के अंदर। यानी कि आप मोबाइल का इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हो एक ही टाइम पे। अगर वाईफाई फास्ट है तो वाईफाई चलेगा, अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट का डाटा फास्ट है तो आपके मोबाइल का इंटरनेट डाटा चलेगा। तो है ना ये भी कमाल का वीआईपी वाला सेटिंग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनती है ना, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आप लोग लाइक नहीं करोगे तो कैसा लगेगा, लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।